नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में, जिसका इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंडी के मौसम में चल रही है। तो ब्रोंकाइटिस क्या होता, सबसे पहली बात बात करें, यह जो लंबी वायु नलिकाएं होती हैं जो वायु को वायुनाल से फेफड़ों तक यानी कि ट्राइकिया से लंग की एल्वियोलाई तक ले जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होने से होता है। इसका मुख्य कारण इसका जो है वो धूम्रपान है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है जो कि वायरल और बैक्टीरियल हो सकता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल होता है, जैसे कुछ खदान में काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा मेटल मोल्डर्स हैं और ऐसे लोग जो धूल में काम करते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, ऐसे लोगों को पहले से किसी बीमारी जैसे न्यूमोनिया से ग्रसित लोग हैं, इम्फाइसेमा से ग्रसित लोग हैं, ऐसे लोगों को भी ब्रोंकाइटिस होने की संभावना बहुत होती है। इसके लक्षण क्या है? सर्दी के साथ नाक से लगातार पानी गिरना होता है, खांसी पीले बलगम के साथ लगातार खांसी आना, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, बुखार व सिर दर्द व भूख न लगना। इस समस्या के लिए भोजन में हम क्या लें क्या ना लें, इस पर हम बात करने वाले हैं। डेयरी उत्पाद जैसे दूध, बटर, चीज़, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, श्वसन तंत्र में म्यूकस का श्रावण बढ़ा देते हैं। इसके अलावा गर्म मसालेदार बहुत हार्ट स्पाइसी चीज़ों को खाने से बचें, जो बाहर जो भी हार्ट स्पाइसी चीज़ें, मोमोज और ये तमाम इस तरह की चीज़ें जो भी बिक रही हैं, चाट मसाला, ये सब इनको लेने से आप बचें। ठंडे भोजन है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, एरेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कोको कोला, पेप्सी, इन सबको पीने से बचें, क्योंकि ये डायरेक्ट नुकसान करते हैं। इसके अलावा गर्म पानी पीजिए, अजवाइन, चाय की पत्ती, पानी को गर्म करिए, स्टीम इसकी जो है इसको इनहेल करिए, ऐसा कम से कम दो से तीन बार करिए, काफ़ी बहुत आराम ये पहुँचाता है। इसके अलावा जो है थोड़ा हल्दी और गर्म पानी के साथ गरारे करें, थोड़ा हल्दी लेकर के गर्म पानी के साथ गरारा करें। कच्चे सलाद, सब्जियां, मीठे फल, कच्चे सलाद सब्जियां एवं मीठे फल का खूब सेवन करें। गर्म तरकारियों का सूप पिए, उबला गर्म भोजन करें, हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज खाएं, लेकिन यदि कोई भी होम्योपैथिक दवाई चल रही हो तो भी इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ढेर सारी विटामिन सी लेनी है। और विटामिन सी कहाँ पर मिलती है? ताजे सिट्रस फल, हरी सब्जियों में मिलती है। इसके अलावा आपको क्या करना है, विटामिन बी का भी सेवन बढ़ाना है। सवाल ये उठता है कि विटामिन बी कहाँ मिलेगा? दूध और दूध के उत्पाद, अंडे, श्रिम्प, कैप, लोबस्टर, इन सब में विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा लीन मीट, खास करके जैसे पॉर्क है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री है, अंडा है, लीवर है, किडनी है, पेंक्रियास है, ईस्ट है, ये सब विटामिन बी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। गाजर, केला, अवोकेडो, रसबरी, एंटीचोक, पत्ता गोभी, सोया फ्लोर, बाजरा, अनाज, पास्ता, हरी सब्जियां, दलहने, ये सब विटामिन बी के बहुत अच्छे सोर्स हैं। विटामिन ए रिच फूड को भी अपने भोजन में बढ़ाइए, जैसे ये विटामिन ए रिच सोर्सेज जो जंतुओं से मिलते हैं, अंडा, दूध, दूध के उत्पाद, मीट, किडनी, लीवर, ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा फलों में पीला नारंगी फल, सब्जियां, गाजर, ये सब विटामिन ए के, हरी पत्तेदार बहुत गहरी हरी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये विटामिन ए के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस में सौंठ या अदरक को शहद के साथ मिलाकर सोने से पहले लगातार लीजिए। हर सुबह आधा कप पानी में थोड़ी अदरक, 2-3 तुलसी के पत्ते और पुदीना पत्ती और उबाल कर लें। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है? तो सबसे पहला काम है, सबसे पहली चीज़ जो अवॉइड करना है वो स्मोकिंग एकदम बंद कर लीजिए। दूसरी बात क्या है, योगासन करिए और जिस तरह के सिम्टम हो उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन लीजिए। होम्योपैथिक मेडिसिन से ब्रोंकाइटिस का जड़ से इलाज है। अच्छा, अब क्या क्या देसी तकनीकें अपनाएं अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई हो? तो देसी तकनीक, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई तो फिजिशियन से मिलना है, अदरवाइज आप देसी तकनीकें कुछ अपना सकते हैं। जैसे बहुत रात में कभी कभार इतना खांसी आए कि आप खांसी से सो ना पाए, खांसी का ठसका लगातार लगे, तो ऐसे में काले नमक का टुकड़ा या मुलहठी का एक टुकड़ा
और मुंह में रखकर चूसने से जो खांसी का ठसका है वो बंद होता है। करके देखिए, तुलसी की दूसरा नुस्खा है, तुलसी की 11 पत्ती लीजिए, 2 काली मिर्च, 1 चुटकी सौंठ चूर्ण, चुटकी भर सेंधा नमक, इनको 2 कप पानी में उबालिए और जब पानी आधा कप बचे तो छान कर 1 चम्मच मिश्री घोल कर पी जाएं। इससे सर्दी खांसी, हाथ पैर टूटना, गले में खराश, यहाँ तक कि इनसे जो बुखार होता है वो भी सही होता है। अदरक का रस 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच शहद मिलाकर उसे दिन में 3 से 4 बार चाटने से सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। हल्दी की गांठ होती है उसको चूसिए और रात को हल्दी का टुकड़ा मुंह में रखकर सोने से खांसी ठीक होती है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।